इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे थे मुझे मृत समझकर? तुमने सोचा कि मेरे त्रिशूल मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे? वानर, तुमने तो उन्हें मेरी देह तक पहुंचाकर मुझे पुनः सज्जित कर दिया युद्ध के लिए। कदाचित कहीं पहुंचने की शीघ्रता में तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे इस दानव की मृत्यु के रहस्य के बारे में शीघ्र ही ज्ञात करना होगा। कोई तो उपाय होगा इसकी मृत्यु का। कदाचित असीम ताड़ना से यह स्वयं ही मृत्यु का भेद बता दे, अन्यथा कोई और युक्ति अपनानी होगी। क्यों सोच सोच कर अपने मस्तिष्क को कष्ट दे रहे हो तुम? मेरे अंत का उपाय नहीं मिलेगा तुम्हें। ये अब कहां चला गया? अश्व को तुम बालकों ने बंदी बनाया है? सेनापति कालजीत, ये तुम दोनों ने क्या किया लवकुश? मुझे आशा नहीं थी कि आप होंगे। मुझे भी आशा नहीं थी कि हमारा सामना तुमसे एक शत्रु की भांति होगा। अश्व को बंदी बनाने वाला शत्रु है हमारा। मैं श्री राम भैया का अनुज शत्रुघ्न तुम्हें आदेश देता हूं, शीघ्र मुक्त करो इस अश्व को। अब ये भी जान लो कि श्री राम की पूरी सेना युद्ध के लिए सज्जित खड़ी है, केवल मेरे संकेत की प्रतीक्षा में। इसलिए अब शीघ्र अश्व को मुक्त कर दो। ये कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। बालक हो इसलिए अश्व को बंदी बनाने की गंभीरता को नहीं समझ सकते तुम। अश्व को बंदी बनाने का अर्थ है राम भैया का अपमान। ऐसे व्यक्ति का क्या मान और क्या अपमान जिसने अपनी निरपराध पत्नी को वन में छुड़वा दिया। अबोध बालक हो तुम, स्थिति की जटिलता को नहीं समझ सकते। बहुत बड़ा कारण था जो भैया राम ऐसा करने को विवश हुए, किंतु उसके पश्चात उन्होंने भी अपने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। तो जाकर माता सीता को ढूंढिए, उन्हें कहिए ये सब। ना जाने वन में कहां कहां भटक रही होंगी वो, कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ रहे होंगे उन्हें। बस बस, आज कोई विचित्र सी व्याकुलता क्यों हो रही है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। बहुत समय से लव कुश भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहां गए वो दोनों? भीड़ता छोड़ो बालको, भैया राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है ये, शीघ्र मुक्त करो इसको। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दंडित करने का निर्णय लेना पड़ जाए मुझे। शत्रुघ्न जी, आपके किसी निर्णय से भयभीत नहीं होने वाले हम। अश्व को मुक्त करने के लिए नहीं पकड़ा है हमने। रही बात श्री राम की सेना की, तो इतना समझ लीजिए कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ही नहीं उनकी सेना भी श्रीहीन विजयहीन हो गई है। कदाचित श्री राम को भी इसका आभास हो चुका होगा अब तक। बस, अबोध बालकों को इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। अपनी मर्यादा में रहकर बात करो बालको। मर्यादा तो उन्होंने तोड़ी है जिन्हें सब मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमें ना उनसे भय लगता है और ना ही उनकी सेना से। तुम्हारी वीरता देखी है मैंने, सम्मान भी करता हूं उसका, इसीलिए तुम्हें अब तक समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। एक बार सेना को पराजित करके कुछ अधिक ही आत्मविश्वास में आ गए हो तुम दोनों।
कहीं ऐसा ना हो कि यही आत्मविश्वास तुम्हें समझाना छोड़िए, बाण चलाइए अपना, या फिर मेरे बाणों का प्रत्युत्तर दीजिए। बहुत समय बीत गया, लेकिन काकाशी का कोई संकेत नहीं। क्या करूं मैं? संभालिए अपना धनुष। कदाचित आपने हमें बालक समझा या स्वयं को कुछ अधिक ही समझ बैठे। जो भी है उसे छोड़िए, श्री राम का अपमान हुआ है ना, तो जाइए और उन्हें भेजिए हमारा सामना करने के लिए। बस मेरे सहनशीलता की सीमा लांग चुके हो तुम दोनों। पाल को बंद करना मेरे लिए उचित नहीं, किंतु कदाचित तुम आहत हुए बिना मानोगे नहीं। कहीं ये पवन अस्त्र इन मुनि कुमार को आहत न कर दे। ऐसे अश्वमेघ यज्ञ से क्या प्राप्त होगा मुझे, जिसे संपन्न करने के लिए किसी सूर्यवंशी को आश्रमवासी बालकों के विरुद्ध दिव्यास्त्र उठाने के लिए विवश होना पड़े। हे माता, मेरी आपसे गुहार और प्रार्थना है कि मेरे दोनों पुत्र को शीघ्र ही उनके पिता का सानिध्य और संरक्षण प्राप्त हो। दीपक की ज्योति क्यों विचलित हो रही है? वायु भी तीव्र नहीं है, कोई अनिष्ट के संकेत है ये? कदाचित मेरे लवकुश पर कोई संकट तो नहीं है? हनुमान पुत्र कहाँ हो तुम? अब इसे कहीं और भागने नहीं दूंगा मैं। हनुमान पुत्र मेरे लवकुश की रक्षा कर, कदाचित संकट में है वो। कभी अश्व पर संकट का आभास हो रहा है मुझे, तो कभी लवकुश को संकट से बचाने के लिए कहती हुई माता सीता की गुहार सुनाई दे रही है मुझे। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, किंतु मैंने उन ऋषिवर को वचन दिया था। अब उस दानव को उसकी दुष्टता का दंड मिलने का समय आ गया है। आप सब निश्चिंत होकर अयोध्या जाइए। इसलिए किसी भी प्रकार इसकी मृत्यु का भेद जानकर ही इसका अंत करना ही होगा मुझे। धर्म की रक्षा करने वाले वानर, शपथ है मुझे, तुम्हारा अंत करने के पश्चात धर्म के अनुयायियों को मिटा दूंगा मैं इस धरती से। कोई आश्रम कोई यज्ञ नहीं बच पाएगा इस संसार में। अगर कोई रहेगा तो एकमात्र त्रिशूल राम होगा। त्रिशूल की शक्ति के साथ ही वरदान भी है मुझे कि कोई भी अस्त्र शस्त्र या कुछ भी ऐसा जिससे किसी दूसरों को आहत किया जा सके उससे मुझे कोई हानि नहीं पहुंच सकती। वानर मैं त्रिशूल रोम अविजित था और अविजित रहूंगा। वानर इस धरती का कोई भी योद्धा
अपने किसी अस्त्र शास्त्र से मेरा संहार नहीं कर सकता, कदापि नहीं। त्रिशूल राम हूं मैं। बुरे का अंत होकर ही रहता है त्रिशूल रोम। प्रभु श्री राम की कृपा से तुम्हारी मृत्यु का कोई न कोई उपाय ढूंढ कर मैं तुम्हें वैदिक यज्ञादि में विघ्न डालने से और धर्म पालकों को पीड़ा पहुंचाने से रोक कर ही रहूंगा। तुम स्वयं मुझे अपने मृत्यु का भेद बताओगे राक्षस? अवश्य ही कोई असाधारण दिव्य वानर है, कदाचित मेरी भलाई यहाँ से भागने में ही है। सखा, यदि वास्तव में इसने मुझे बंदी बना लिया और मेरी मृत्यु का कोई उपाय ढूंढ लिया तो महासंकट छा जाएगा मुझ पर। भ्राता लव, तुम शत्रुघ्न जी पे अपना ध्यान केंद्रित करो, उन्हें रोको। मैं उनके इस पवन अस्त्र का कोई उपाय करता हूँ। अपने बाणों से इस पवन अस्त्र को रोकने का प्रयास करता हूं। मुझे इसके ऊपर चढ़कर ऊंचाई से शत्रुघ्न जी पर अपने बाण लक्षित करने चाहिए। शीघ्र ही तुम्हारा अंत करके लौट जाऊंगा मैं। इस वानर के विभिन्न भयंकर रूप देखकर क्यों भयभीत हो गया मैं? मेरे वध का तो कोई उपाय ही नहीं, ये तो क्या कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। ये राक्षस लघु आकार क्यों ले रहा है? शीघ्रता से लौटने के लिए तुम तत्पर हो गए वानर, किंतु मुझे शीघ्रता नहीं है। यदि तुम मेरा अंत चाहते हो तो पीछा करो मेरा, ढूंढो मेरे वध का उपाय, अन्यथा तुम्हारे साथ यहाँ धर्म कर्म और यज्ञ आदि का अंत करूंगा मैं। ये तो अपने लघु आकार में कंदरा के भीतर चला गया। मेरे बाण तो इस पवन अस्त्र के निकट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरा बाण शत्रुघ्न जी को आहत करने ही वाला था। एक और बाण चलाता हूँ।
काका शत्रुघ्न की माला, कहीं उनका अनिष्ट तो नहीं हुआ? शक्ति से प्रभावित हो रहा है कुश। भ्राता लव, तुम शत्रुघ्न जी पे अपना ध्यान केंद्रित करो, उन्हें रोको। मैं उनके इस पवन अस्त्र का कोई उपाय करता हूँ। ओह, तो कुश ने मुझे इसलिए दूर भेजा जिससे मैं सुरक्षित रह सकूं, और वो इसका प्रहार अपने ऊपर ले ले? नहीं, मैं कुश को कुछ नहीं होने दूंगा। कुश, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुश, हट जाओ। ये क्या कोई अनिष्ट का संकेत था माता? जो पुष्प मैं आपको समर्पित करने वाली थी, वो उड़कर दूर क्यों चला गया? दोनों में से किसी का भी कोई अहित हो तो मैं क्या करूंगी? क्या कहूंगी स्वामी से कि मैं हमारे पुत्र को सुरक्षित क्यों नहीं रख सकी? अश्वमेध यज्ञ का ये परिणाम तो नहीं चाहता था मैं। इन दोनों में से किसी को भी घातक आघात लगा तो इनके माता पिता जो भी हो, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यदि लवकुश और यज्ञ के अश्व को लेकर मुझे जो आभास हो रहे हैं वो सत्य हैं, यदि उनका कोई अनिष्ट हुआ तो मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के समक्ष कैसे जाऊंगा? क्या कहूंगा मैं उनसे कि मैं समय पर वहां क्यों नहीं था जहां मेरी आवश्यकता थी? मुझसे छुटकारा पाकर कहीं भी पहुंचने का विचार त्याग दो वानर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वहीं से इसके स्वर की ध्वनि उत्पन्न हुई है, अर्थात ये दुष्ट वहीं कहीं है। ये क्या, तुम्हारा वार तो व्यर्थ हो गया वानर।
बावले हो गए हो क्या वानर? स्फटिक है वो, मैं नहीं। वानर, मैं तुम्हारे साथ यूं ही क्रीड़ा करता रहूंगा और तुम मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। इस राक्षस का प्रतिबिंब तो दिखाई दे रहा है मुझे, किंतु ये स्वयं कहाँ है? वानर, अति आनंदित हो रहा हूँ मैं तुम्हारे जैसे वानर के साथ क्रीड़ा कर। चलो प्रहार करो। ये गदा प्रहार वाला वानर नृत्य अत्यंत मनोरंजक है मुझे। चलो वानर, प्रारंभ करो। ये तो मुझे यही उलझा कर रख रहा है। मैं इस कंदरा को इस राक्षस की क्रीड़ा स्थली नहीं बनने दूंगा। लव, उठो लव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लव उठो। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे लव कुश पर कोई बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है? मेरा मन इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? कुश, ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। कभी कभी जटिल परिस्थिति व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देती है, किंतु ऐसे क्षण में भी यदि धैर्य और सूझबूझ से काम लिया जाए तो व्यक्ति उस स्थिति से बाहर आ सकता है।